सबको पता है, पर सच तो ये है कि ये कथा अब हमारे लिए कथा नहीं रही। हम सब देखते हैं, सुनते हैं, इग्नोर कर देते हैं, जानते हैं, समझते हैं, महसूस तक नहीं करते, रिएक्ट तक नहीं करते, बोलते तक नहीं। आखिर क्यों? क्या हुआ भैया? घर में खुशी का माहौल है और लड़की पैदा हुई है। अगर आपके सर में दर्द हो रहा है तो आप किसी दूसरे कमरे में चले जाइए ना। मेरे सर में दर्द नहीं हो रहा, मेरे सर का दर्द है। लड़की किसी भी लड़की पैदा हो गई। पर भैया लड़की तो देवी लक्ष्मी का रूप होती है ना। अच्छा, लक्ष्मी का रूप होती है तो अपने घर ले जा। इसके लिए दहेज कहाँ से लाऊंगा? लड़का होता तो कमा कर लाता, काम में हाथ बटाता। और आजकल की खबरें तो तू सुन ही रहा है, लड़कियों के साथ कितना कुछ हो जाता है। अगर इसे कुछ हो गया तो उसकी टेंशन अलग। लड़की के पैदा होने पर माँ बाप के चेहरे पर चिंता की लकीरें क्यों पड़ जाती हैं? हिंदुस्तान में ऐसे बहुत से कम घर हैं जहाँ लड़की के पैदा होने पर खुशी मनाई जाती है। बहुत से लोग मजबूरी में ही एक्सेप्ट करते हैं। लड़की के पैदा होने पर रिश्तेदारों में, आस पड़ोस में एक डर का और दहशत का माहौल क्यों बन जाता है? दो दुनी चार, चार दुनी आठ, चार दुनी सोलह, सोलह दुनी बत्तीस, दो दुनी चार, चार दुनी आठ, आठ दुनी सोलह, सोलह दुनी बत्तीस। गुड़िया बेटा घर जाओ और माँ के साथ काम में हाथ बटाओ। पर भैया भी तो घर पर है। ए, सुन, भैया पढ़ेगा लिखेगा बड़ा आदमी बनेगा, मेरी तरह जिंदगी भर फैक्ट्री में नौकरी थोड़ी करेगा। पर भैया दिन भर पार्क में खेलता रहता है, अपने आवारा दोस्तों के साथ इधर उधर घूमता रहता है। गुड़िया वो लड़का है, अब तो उसकी बराबरी करेगी। ठीक है, मैं भी अपने पार्क में खेलने जाऊंगी। सुन, मैं तो पार्क जा देना स्कूल, जितना जाओगे अब तक चल जा। जब स्कूल नहीं भेजना था तो दाखिला क्यों करवाया? मेरे बच्चे दाखिला इसलिए कराया ताकि थोड़ा वजीफा मिल जाए, ये वर्दी मिल जाए। वैसे भी आदमी तक तो कोई फेल करता नहीं है, थोड़ा पढ़ लिख जाएगी तेरी शादी में आसानी होगी। दहेज कम देना पड़ेगा। पर पापा मुझे पढ़ना है, पढ़े होकर मास्टर बनना है। ये फालतू के टीवी सीरियल देख कर ना तेरा दिमाग खराब हो चुका है, अपनी औकात में रह। चंदन, लड़की के पैदा होते ही उसे औकात में रहना सिखा दिया जाता है। ये कर वो मत कर, ऐसे रह वैसे मत रह, ऐसे कपड़े पहन वैसे कपड़े मत पहन। बचपन से ही उसे बता दिया जाता है कि मर्द बाहर जाता है कमा कर लाता है, औरतें घर पर रहती है। मर्दों के लिए खाना बनाना, झूठे बर्तन मांजना, साफ सफाई करना, यही तेरे मौलिक काम है, बेसिक काम है। पढ़ाई के लिए भेजते भी है तो सरकारी योजनाओं से मिलने वाले वजीफे के लिए, वर्दी के लिए। उससे आगे कुछ सोचते भी है तो आठवीं तक तो कोई फेल करेगा नहीं। थोड़ा पढ़ लिख जाएगी तो इसकी शादी में आसानी होगी। दहेज कम देना पड़ेगा और मजबूरी में नौकरी करानी भी पड़ी तो किसी फैक्ट्री में मजदूरी या फिर किसी के घर में झाड़ू पोछा। आज से तू स्कूल में चाहिए, अपनी माँ के साथ घरों में झाड़ू पोछा करने चाहिए। पर पापा मुझे नौवीं करनी है, दसवीं करनी है, आगे और पढ़ाई करनी है। नौवीं करेगी, दसवीं करेगी, आठवीं तक तो तू कुछ पढ़ी नहीं। अरे नौवीं में पेपर होते हैं, फेल हो जाएगी। और तुझे पता है गुड़िया, आज तक हमारे घर में कोई फेल नहीं हुआ। पता है क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ स्कूल जाने का रिवाज ही नहीं है। अब तो स्कूल जाएगी नहीं तो फेल कहाँ से होगी? एक काम कर, अपनी माँ के साथ जा और दो घर और पकड़ लियो। पर पापा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वो हमसे ऐसे बात करते हैं जैसे हम उनके गुलाम हो। मुझे आगे बढ़ना है, बड़े होकर कुछ बनना है। बड़े बड़े सपने देखने लगी है, अपनी औकात है, किराए के मकान में रहते हैं, अपनी छत तक नहीं है। एक काम कर, स्कूल में नाम लिखवा दिया है ना, ठीक है, अपनी माँ के साथ जा, घर में दो पैसे आएंगे तो घर का काम भी चलेगा। तुझे स्कूल भेज देंगे, ठीक है, जिस दिन वजीफा मिलता है। बेटा कहीं नौकरी मिली? माँ मुझे कौन नौकरी देगा, मैं तो सिर्फ दसवीं पास हूँ। अच्छा एक काम कर,
किसी फैक्ट्री में कोई मजदूरी कर रही या फिर किसी के घर में झाड़ू पोछा कर ली। कोई जरूरत नहीं नौकरी करने की। जब से नौकरी करने बाहर गई है आस पड़ोस के लोग कैसी कैसी बातें करने लगे। मेरा नाम बदनाम कर रही तू? तुम चुप रहो, खुद तो कुछ काम करते नहीं हो, सारा दिन शराब पी के घर में पड़े रहते हो। ये नौकरी नहीं करेगी तो घर खर्च कैसे चलेगा, बच्चों के स्कूल की फीस कौन भरेगा, इसे तो नौकरी करने दो। साहब वो ना हमें तनख्वाह नहीं दे रहे हैं, पिछले महीने आधी तनख्वाह दी थी और इस महीने कह रहे हैं महीने की 15 तारीख को देंगे। अरे तुम मुझसे क्या कह रही है, जाकर अकाउंटेंट से बात कर। उससे बात की थी साहब, गाली का इलाज करता है, बदतमीजी करता है, आदमियों की तनख्वाह तो दे दी और तो गिरोह के बैठा है। सुन अब कैसे काम करेगी, तुमको ऐसी मिलेगी ना। अब सबसे पहले काम करके देते हैं साहब। ओहो ये देखो क्रांतिकारी नेता सबसे पहले काम करके देते हैं। भाई महीने में 4 दिन तो इनको वो वाली छुट्टियां चाहिए होती है, फिर कभी इनका पति बीमार है, कभी इनके बच्चे मैडम, कभी इनकी सास बीमार है तो कभी इनका ससुर। मेरी प्यारी औरतों तुमसे अच्छा था मैं किसी मर्द को काम पर रख लेता। ए, एक काम कर, इन सब का हिसाब कर, यहाँ से रफा दफा कर। अरे चलो यहाँ से चलो। आज भी हमारे समाज में 80% आबादी वो है जहाँ पर महिलाओं का काम करने के बारे में सोचना भी गुना माना जाता है। अगर वो काम करती भी है तो वहाँ की वर्किंग कंडीशन इतनी ज्यादा खराब है कि उन्हें काम छोड़ना पड़ जाता है। सच तो यह है कि औरतों को काम के लायक ही नहीं समझा जाता। हाँ ये सच है कि लड़कियों पहले से ज्यादा काम कर रही है, कुछ बीच में वो आगे भी बढ़ी है, मगर उनके काम करने के जो ऑप्शन है वो बहुत ही ट्रेडिशनल है। अगर मध्यम वर्ग की लड़की है तो CA बन जा, इंजीनियरिंग कर ले, डॉक्टर बन जा, और अगर गरीब तबके की लड़की है तो किसी फैक्ट्री में मजदूरी, माला बनाना, मोती बुनना या फिर किसी के घर में झाड़ू पोछा। जरूरी है नए रोजगार तलाशे जाएं, रोजगार वो हो जो आत्मसम्मान दे, आत्मविश्वास बढ़ाए, आत्मनिर्भर बनाए। आज भी हमारे समाज में महिलाओं के खिलाफ लगातार जो हिंसा बढ़ रही है, ऐसे में बहुत जरूरी है कि लड़कियां आगे आए और आगे आकर काम करें। अगर वो आगे आकर काम करेंगी तो ना सिर्फ अपने परिवार की स्थिति को बेहतर करेंगी बल्कि समाज में बाकी लड़कियों के लिए रोल मॉडल बनेंगी। सिर्फ ये कह देने पर से कुछ नहीं होता कि भैया लड़कियां तो हर जगह है, लड़कियां IAS है, लड़कियां डॉक्टर है, लड़कियां इंजीनियर है, यहाँ तक कि लड़कियां चांद तक पहुंच गई है। ये कह देने पर से कुछ नहीं होता क्योंकि आज भी हिंदुस्तान में 10 में से 8 घर वैसे हैं जहां पर महिलाओं का काम करने के बारे में सोचना या तो घर या फिर घर की चौखट तक ही सीमित है। हमारे यहाँ लड़कियों का काम करना गुनाह होता है। तो भैया अब लड़कियां काम करेंगी, हम मर्द लोग मर गए क्या? हमारे शर्मा जी की लड़की भाई साहब रात को 3 बजे घर आती है। अब रात को 3 बजे कौन से काम होते हैं ये तो आप सबको पता ही होगा। भाई नौकरी करने वाली लड़कियां पता नहीं कहां कहां जाती है, किस किस से मिलती है और न जाने क्या क्या करती है। वैसे भी सारा दिन फोन पे लगी रहती है, नौकरी करने कहीं जाएगी तो 10 मर्दों के फोन और आएंगे, कहीं कुछ झूठ झूठ होवे तो। सुनिए जी इसे बाहर जाकर काम करने दीजिए, बाहर जाएगी काम करेगी तो अपने पैरों पर खड़ी होगी। बहू तो चुप कर, मेरा बेटा बिल्कुल ठीक कह रहा है, हमारे खानदान की लड़कियां घर से बाहर जाकर काम नहीं करती, घर से बाहर जाएंगी काम करेंगी कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो। और सुन ले लड़कियों को गलती करने का कोई हक नहीं। भाई अब लड़कियां ऑफिस में काम मिलेंगी हम मत लोग के हाथ में चूड़ियां पहनेंगे। चूड़ियां क्यों पहनेंगे, अरे काम तो हमारे अंडर में करेंगी ना, उनके साथ बैठ के उनके हाथों की चूड़ियां चटकाएंगे। अच्छा वो देख बॉस की गाड़ी में कैसे हंसते हुए जा रही है, कोई ना कोई चक्कर होगा, पक्का चक्कर है। अबे साली रंडे हो गए, चक्कर क्या है, अरे तभी तो इसका प्रमोशन हो गया। पापा पापा मुझे ना मेल आया, मेरे को नौकरी मिल गई। क्या बात है, मेरे बच्चे को नौकरी मिल गई। पर बेटा मेरी बात सुन, लड़कियों का काम होता है घर संभालना, ठीक है, तेरे लिए एक लड़का देख दिया है, 2-4 महीने में शादी कर देंगे, उसके बाद जो जी मैं कर। पर पापा बातें कुछ मेरी है, बातें कुछ इसकी है, बातें कुछ उसकी है, बातें कुछ मेरी तेरी इसकी उसकी है, बातें कुछ प्यार की, बातें उदार की, बातें इसकी बातें असली की।
पहले कुछ लोगों ने कुछ लड़कियों को ट्रेन किया कैब ड्राइवर के रूप में, टैक्सी ड्राइवर के रूप में, और आज वो लड़कियां आत्मसम्मान और आत्मस्वाभिमान के साथ दिल्ली की सड़कों पर टैक्सी चला रही हैं। हमारे लिए डॉक्टर लड़की का उदाहरण हो सकता है, इंजीनियर और सीए लड़की का उदाहरण हो सकता है, लेकिन समाज के उस तबके का क्या, जहां पर लड़कियों का घर से बाहर निकलकर काम करना सही नहीं माना जाता बल्कि गलत माना जाता है। ऐसे में यही लड़कियां हैं जो अगर घर से बाहर निकलकर काम करेंगी तो दूसरी लड़कियों के लिए रोल मॉडल बनेंगी। अगर गरीब तबके की लड़की घर से बाहर निकलकर काम करेगी तो ना केवल दूसरी लड़कियों के लिए मिसाल बनेगी, ना केवल अपने परिवार की स्थितियों को बेहतर करेगी, बल्कि समाज में महिलाओं के खिलाफ लगातार जो हिंसा बढ़ती जा रही है उसके खिलाफ एक मजबूत आवाज के रूप में उभरेंगी। भैया एक बात बताओ, ये अब लड़कियां गाड़ी चलाएंगी हैं, टैक्सी चलाएंगी, अब भाई लड़कियों को गाड़ी चलाना तो आता नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी चलाएंगी और कहीं बिठा देंगी। बताओ सही कह रहे भाई, अब लड़कियां गाड़ी चलाते वक्त शीशा देखेंगी, मेकअप करेंगी, फोटो को सेल्फियां लेंगी। भैया गाड़ी तो टूटेगी ना। पता है परसों मैं गाड़ी चला रहा था, सामने से गाड़ी आई रॉन्ग साइड से, मैंने तगड़ी वाली गाली दी, देखा तो भैया लेडीज, और मैंने कहा भैया लेडीज का तो काम ही होता है गाड़ी टेढ़ी मेढ़ी चलाना। भाई मैं तो संभल के चलता हूँ, क्यों जब भी कोई रेड लाइट देखता हूँ भाई साहब ये वाली पहले ही पीछे हट जाता हूँ कि देवी जी आप निकल लो, कौन बोले फालतू में। अरे भाई एक बात बता यार, क्या मजाक है, इन लड़कियों को गाड़ी चलाना आता है क्या? नहीं, दूसरे से तीसरे गियर में जाते हैं इनकी हवा टाइप हो जाती है। भाई मैं तो कहता हूँ लड़की प्लस गाड़ी मतलब बेवकूफ मारी गई सवारी। अभी मैं नाटक करने आ रहा था, मैंने सोचा पानी पी लो यार सीपी के नुक्कड़ पे, वहाँ पे खोखा था, सुंदर सिंह लड़की आई, उसने बोला भाई साहब सिगरेट देना, मैंने कहा क्या सिगरेट मांग रही है? भाई ये सिगरेट पीना, चरस पीना, गांजा पीना, दारू पीना, ये तो मर्दों के शौक है, ये लड़कियां कहां से बीच में आ गई? वैसे भी ये भारतीय संस्कृति के इस तरह की घटिया और स्टीरियोटाइप बातें हमारे समाज में फैली पड़ी है, मजाक बनाया जाता है, कमेंट्स पास किए जाते हैं, यहाँ तक कि कुछ साल पहले एक भाई साहब ने हवाई जहाज में यात्रा करने से इनकार कर दिया क्योंकि उसकी पायलट एक लड़की थी, हवा में कहीं यहाँ वहाँ ठोक दिया तो, जबकि हकीकत ये है कि दिल्ली की सड़कों पर जो एक्सीडेंट होते हैं उनमें से ज्यादातर पुरुष होते हैं।
प्रस्तुति है। इस नाटक के लेखक और निर्देशक दोनों श्री अरविंद गौड़ सर हैं।